राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एमबी फूड सप्लीमेंट पे। आज एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बात करते हैं उसके बारे में, गेनर के बारे में, कि गेनर पहले नकली खा लो या फिर कोई भी गेनर खा लो और फिर उसके बाद में प्रोटीन खा लो। तो ये अपने भाई है अजय स्ट्रीट, जो कि एक कैलिस्थेनिक है, बहुत अच्छा भाई करते हो उसको और अच्छा नाम भी है भाई का उसमें। तो आपका सवाल क्या था बताइए, कैमरा में देख के बताना है भाई। जो आजकल के युवा युवती है ना, उन सभी को ये सवाल है कि हम क्या करेंगे, हम अपना वजन बढ़ाना हो तो पहले तो हमें गेनर का डिब्बा चला लेंगे, ठीक है। वहां तो हमारा 2-3 किलो वजन जब बढ़ जाएगा तो गैलम गल गेनर हटा के फिर हम प्रोटीन चला लेंगे 1-2 डिब्बा बस, फिर बार बार हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसा कुछ है कि ये जो सवाल था पहले क्या था, लोग नकली गेनर खुआ देख रहे, गेनर के अंदर होती थी डेक्सोना और भूख बढ़ जाएगी और बार थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो वो स्मार्ट भी बहुत थे, मतलब वो चोर है, उनको पता थी कि अब ये जो वजन उनको टिक जाए तो उसके लिए कि प्रोटीन उनको बता देते हैं। असली जो मसल जो तैयार होती है वो हमारी प्रोटीन से ही तैयार होती है। गेनर के बारे में आपको समझाऊं, जैसे मान लो आपने गेनर लिया, अब गेनर के अंदर क्या है, कैलोरीज है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। जिसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होगा वो प्रोटीन उतना ही महंगा होगा, और कार्बोहाइड्रेट आपको आलू से मिल जाएगा, कैलोरीज आपको रोटी से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोई स्पेशल नहीं है कि गेनर आपने खा लिया, ये आप अपनी डाइट से बढ़ा लो भाई। आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट से 1.5 घंटा पहले 2 आलू 2 केला और आपको दही, प्रोटीन भी अगर आपको डालना है उसमें 4 आप अंडे डाल लो 5 अंडे डाल लो 30-35 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। कुल मिला के एक ही जो है घर की डाइट, घर की। ये गेनर में कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि गेनर ने आपको, जब हम गेनिंग करते तो हमको क्या होता है कि जो कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट प्लस में रहना होता है, ज्यादा इंटेक करने होते हैं, लेकिन मसल जो ज्यादा बनाता है वो प्रोटीन ही बनाता है। जो मेन चीज है प्रोटीन, देखो प्रोटीन अगर सही ठीक प्रोटीन कंटेंट जो होता है। अब ये बस हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक ये जो है वो बना दिया है मिथ, बालों के अंदर एक पहला दे कि गेनर खा ले, गेनर खा ले। बाहर ज्यादा अंग्रेज खाते हैं गेनर को, क्योंकि उनके पास प्रोटीन की ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो है कार्ब ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको प्रोटीन जो पचता है उसी से पचता है, तो वो यूज करते हैं। पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटीन की कमी है, तो चिकन नो खा, अंडे नो खा, आधे जो है वेज है हमारे यहाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट प्रोटीन आपको मिले कहाँ से, पनीर है वो बहन जो मार्केट में नकली बिक्री है उसमें भी कुछ नहीं है आज, तो प्रोटीन का सोना। और फिर बालक जो है डाइट पे ध्यान ना दे पावे, ब्रोकली वगैरह या फिर अंडे चने या फिर वो आपका जैसे कि बादाम अखरोट सबको ढूंढना है इसके अंदर। ये सिर्फ एक टाइम के लिए होता है, जैसे आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद में बॉडी को लिक्विड में चाहिए, बॉडी को कूल डाउन करो 15 मिनट रिलैक्स करने के बाद में आप 1 स्कूप आप गेनर के अपनी बॉडी के अंदर डालो और आपको कम से कम पर डे 3-4 हजार कैलोरीज आपको इनटेक करनी होगी, ठीक है। वो आप डाइट से कर लो। गेनर का थोड़ा ये फायदा होता है कि इसके अंदर लिक्विड में मतलब पाउडर फॉर्म में और वो लिक्विड में चली जाती है, तो ये बेनिफिट है। गेनर के अंदर कोई स्पेशल ऐसी चीज ना मिली कि वो आप तगड़ा कर देगी, वो डाइट है ना ही कोई लिख के देता है ना किसी गेनर के ऊपर ये लिखा होता है कि ये आपका 10 किलो वजन बढ़ा देगा, तू पढ़ो लिखो या कहीं भी देख ले कि इससे 5 किलो वजन बढ़ जाएगा, या मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ये माइड्रोल खा लो इससे आपका 5 किलो वजन बढ़ जाएगा। बहुत भाई है जिनको रिजल्ट मिले जो डाइट लेते हैं, दूसरा जो डाइट ले रहा है जो मेहनत कर रहा है। अब हो सका है मैं और आपका भाई हम दोनों साथ में जिम करते थे, उसको बेटर रिजल्ट मिलते थे मेरे से, क्यों, वो डाइट अच्छी लेता था, मेरी डाइट अच्छी ना रह गई, मैं ट्रेनिंग करता था उसके साथ उससे तगड़ी, लेकिन डाइट मैं कम लेता था, तो क्या था उसको रिजल्ट ज्यादा मिलते थे। हम दोनों ने साथ में, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने भी स्टेरॉइड चलाया था, उसका भी चला था, उसको मेरे से बेटर रिजल्ट मिले थे। बेटर क्या, उसका 2 इंच का साइज और मेरा एक इंच का भी नहीं बढ़ा, और हमने साथ में ज्वाइन करा था मुकेश गहलोत गुरु जी के पास, ये बात तो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन क्या है, अपने अंदर भी कुछ कमी होती है, मेरे अंदर मेरे को डाइट जो है डाइट का सही टाइम नो पाए गया, नो ले पाए गया, कुछ पेट के भी इशू था, डाइजेस्ट सिस्टम में कोई दिक्कत थी उसकी वजह से भी। तो भाई ये चीज आप कोई ना बता दो, कोच बता रहे हैं कि खुद पे उनने ट्राई करो, स्टेरॉइड भी लेके देखे, डाइट अच्छी ना चली तो डाइट डाइट और मेहनत दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए, डाइट का भी और मेहनत का भी और प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, तब आपको साइज बढ़ेगा। और प्रोटीन ज्यादा इंटेक करो, यदि आप कह रहे हो गेनर खाना है, प्रोटीन ज्यादा लो, प्लस में क्रिएटिन ऐड कर लो, पर अभी क्या है बजट के बड़े इश्यू आ जाते हैं। अगर प्रॉपर स्टैक अगर किसी को हम चला रहे हैं गेनिंग का, तो भाई उसके अंदर एल आर्जिनाइन, क्रिएटिन, BCAA, ग्लूटामाइन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है,
कि जो पूरा कंप्लीट आप गेनिंग स्टैक चलाओगे तब आपका इतना मसल मास बढ़ेगा, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 10 किलो बढ़ेगा या 5 किलो बढ़ेगा। और बताओ आप। नो भाई ये क्वेश्चन पूरा हो गेनिंग के। अजय बार बार कहता है कि भाई मेरे से बालक पूछते कि पहले गेनर चला ले और फिर बाद में हम प्रोटीन चला लेंगे, तो गेनर वो नकली चलाते थे पहले, बस वो कारण था भाई। गेनर ओरिजिनल चलाओगे आपको वही सेम वेट मिलना है, और गेनर चलाओगे साथ में प्रोटीन भी आपको डबल इंटेक करना होगा बाहर से, या फिर आप इसकी जगह आप अपना जो है कैलोरीज का आप डाइट से बढ़ा दो, अंडे ज्यादा खाओ, आलू जैसे दही केला शकरकंदी जिनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जिनके अंदर ज्यादा है उनको इंटेक करो, ठीक है, गेनिंग आपकी जबरदस्त होगी। और नेचुरल रहो, स्टेरॉइड मत यूज किया करो। हाँ वो तो गुरुजी ने ऐसी बता दी बोलो नहीं जिनका हमको भैया हम ऐसा है हमें तो आगे कुछ करना था बस, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है बस हमको बॉडी बिल्डिंग करनी थी तो इसलिए हमने यूज करा था, और अब हमारा मन नहीं है तो हम एक साल होगा छोड़े हम न ले रहे, अभी अपनी डाइट पे 82 किलो वजन है और अब भी बॉडी वही है, अगर हम 82 किलो वजन है 120-130 की ब्रेंच है, ठीक है, तो नेचुरल रहो सबसे बेस्ट रहोगे। और जिस भाई का भी ये सवाल होता है आप आओ बेझिझक होकर आप कमेंट करो, कमेंट करके आप बताओ आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको कोई सवाल स्टेरॉइड के ऊपर है या क्रिएटिन, क्रिएटिन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि क्रिएटिन से क्रिएटिन से किडनी खराब होती है, क्रिएटिन से कटिंग होती है, उस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भैया, थैंक यू, ठीक है।